ये है दूरदर्शन और आप देख रहे हैं नेशनल चैनल। नमस्कार, समाचार संध्या में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार यह रहे। प्रधानमंत्री ने कहा है, सरकार जम्मू कश्मीर में चुनाव करने के लिए वहां की स्थिति की समीक्षा फिर से कर रही है। महाराष्ट्र में लातूर और उस्मानाबाद जिलों में भूकंप पीड़ितों के लिए भूकंप सह सकने वाले मकानों का काम कल से शुरू कर दिया जाएगा। खबर है कि संसद के शीतकालीन अधिवेशन के पहले सप्ताह में प्रश्नकाल की कार्रवाई को रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके उचित निर्देशक के अनुसार उसका सीधा प्रसारण आपको किया जाएगा। कुछ खबरें खेल से। भारत ने दूसरे अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराया। अब कुछ खबर विस्तार से। बात करेंगे महाराष्ट्र के नागपुर जिले के एक युवक की, जिसने छोटा सा ही क्यों ना हो पर आज एक मुकाम हासिल किया है। खबर है कि उनके आज 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं। ऐसी छोटी कहानियां कोई बड़ा मीडिया दिखाएगा नहीं, इसलिए आज उनके दिन को और यादगार बनाने के लिए आज हम उन्हें मौका देंगे हमारे नेशनल टीवी पे कुछ बोलने का। उन तक पहुंचने के पहले कर लेते हैं उस यूट्यूब चैनल का विश्लेषण। ये है दूरदर्शन नेटवर्क और आप देख रहे हैं डीडी नेशनल, इंडिया का अपना चैनल। तो जैसा आप देख सकते हैं, ये चैनल का एनालिसिस है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस चैनल का नाम है 5 मिनट साइंस और इस ये चैनल बना था मई 11, 2017 ईस्वी में। इस चैनल पर अगर आप देखेंगे तो अभी सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं 9.99, मतलब कुछ 5-6 सब्सक्राइबर बचे हैं 10,000 होने के लिए। और वीडियोस की अगर व्यू की बात कर ली जाए तो 12,09,000 कुछ व्यूज़ हो गए हैं। और अंदाज़ लगाया जाए तो इस बात की खुशी है कि 12,00,000 लोगों ने इस चैनल को विज़िट किया। डेली व्यूज़ हज़ार, मतलब 1,000 के आसपास रोज़ यहाँ पर लोग देखने के लिए आते हैं। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेल और फीमेल का परसेंटेज, जिसमें 35% फीमेल और 64% मेल हमें इस चैनल को पसंद करते हैं। इसके साथ आप देखेंगे यहाँ पर तो व्यूवर्स जो है दोपहर में ज़्यादा हमारे चैनल को देखते हैं, 2 से 4 के आसपास में। नियर अबाउट 33% लोगों ने इस चैनल का बेल आइकॉन प्रेस करके रखा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो दूसरे देशों से भी इस चैनल को पसंद किया जाता है, जिसमें नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान भी शामिल है। यहाँ पर देखेंगे इस YouTube चैनल को तो हर महीने अराउंड 82 से लेके 100 तक के लोग जो है इस फैमिली के साथ जुड़ते हैं। ये ग्राफ है पिछले 3 साल का, जिसमें सब्सक्राइबर गेन हुए हैं। YouTube भी बोलता है कि तुम्हारा जो रियल टाइम जो है वो 2000 व्यूज़ है, मतलब पिछले 48 घंटे में तो 2000 लोगों ने देखा है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कि लोग पूछते हैं इस चैनल का रेवेन्यू कितना आता है। सो नियर अबाउट आप देख सकते हैं यहाँ पर हर महीने 7-8-9 डॉलर के आसपास इस चैनल का रेवेन्यू होता है। काफी कुछ बातें हमें विश्लेषण से पता चली, अब समय है सीधे बातचीत का। तो जोड़ते हैं संपर्क हमारे गेस्ट से। दर्शकों, राकेश जमा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी हार्दिक स्वागत है आपका राकेश। सबसे पहले आपको 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है, कैसा फील हो रहा है आपको आज? सच बताओ तो जैसा कि आपने बताया 2017 में ये चैनल बना हुआ था, तो उस टाइम में मैं ऐसा सोचता था कि काश मेरे भी कोई सब्सक्राइबर हो गए, मेरा कुछ चैनल होगा, बाकी लोगों के चैनल मुझे दिखते थे, तो आज सब कुछ रियल में होते देख बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। जी जाहिर तौर पे जो आपने त्याग किया उसका फल आपके सामने है। साथ ही साथ सफलता के हर एक इंसान के कुछ ना कुछ मंत्र होते हैं, सभी का एक अपना अपना तरीका होता है। बहुत सारे लड़कियाँ लड़के होंगे जो YouTube पर आना चाहते हैं और वो अपना चैनल
शुरू करना चाहते हैं तो आप उन्हें ऐसे कौन से मंत्र बताना चाहेंगे? देखिए, ऐसा तो कोई मूल मंत्र होता नहीं है, बट बोल सकते हैं कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी बात है। YouTube एक बहुत बड़ा लंबा सफ़र है। यहाँ पर आपको मैंने बहुत से यूट्यूबर्स देखे हैं जो नए नए इसमें नया जोश होता है, वो बहुत सारे वीडियो शुरुआत में बनाते हैं बट समय के साथ उनकी कंसिस्टेंसी ख़त्म हो जाती है, जोश भी ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे इसमें अगर आप YouTube में आना चाहते हैं तो आपका सफ़र, आपकी डेडिकेशन भी बड़ी लंबी होनी चाहिए। हाई स्पीड की दुनिया है, इस दुनिया में आप खुद को भूल मत जाइए, अपने दिल की आवाज़ को सुनिए। अब अगर आपके खून में क्रिएटिविटी है तो उस पर ध्यान दीजिए। अगर आप क्वालिटी कंटेंट बनाते हैं तो अक्सर ऐसा होगा कि आपके वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आएंगे, लोग एंटरटेनमेंट देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, बट क्वालिटी कंटेंट या कुछ जिसमें सीखने मिल रहा है, ऐसे लोगों के भी व्यूज़ आना शुरू हुए हैं, ऐसे लोग भी जो है उनकी तादाद बढ़ती दिखाई दे सक रही है इतने दिनों में। तो अब 10,000 सब्सक्राइबर तो हो गए, अब आगे इस चैनल को आप कहाँ देखते हैं? सर, मेरी तो कोशिश रहेगी कि मैं भारत के हर लोगों तक पहुँचूँ और उन्हें अच्छे से अच्छा कंटेंट लाकर दूँ जो उन्हें और काबिल बनाने में उनकी मदद करे। सर, ये यूट्यूब आप कर रहे हैं पर क्या ये आपका रियल लक्ष्य है या इससे अलग भी आप कुछ कर रहे हैं लाइफ में? सर, सर्वप्रथम मैं आपका आभारी हूँ, आपने इतना महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे पूछा। जैसे जैसे दुनिया की समझ मुझे होते जा रही है, देश के कार्यप्रणाली, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की तरफ एक अलग सा रुझान मैंने महसूस किया है। तो इसी रुझान को हकीकत में बदलने के लिए मैं एग्ज़ाम मतलब सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूँ, यानी कि UPSC। जी सर। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि इस एग्ज़ाम के लिए भारत देश के सबसे उच्चतम दिमाग टकराते हैं और इस एग्ज़ाम को पास करते हैं। तो मैं आपको गुड विशेस देना चाहूँगा इस परीक्षा के लिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मैंने बहुत से लोगों को प्लान बी के बारे में डिस्कस करते हुए देखा है। इतना बड़ा एग्ज़ाम है, होगा नहीं होगा ये डर बना रहता है, आपका इस बारे में क्या मानना है? सर, डर तो होता है, दुनिया में हर एक चीज़ का प्लान बी होना चाहिए, बट अगर मेरे केस की बात की जाए तो सिविल परीक्षा ही मेरा प्लान बी था। एक्चुअल में मेरा प्लान ए जो है वो मैंने 2 साल पहले स्टार्टअप शुरू किया था, कंपनी एक जिसमें हम स्कूल्स वगैरह में ट्रेनिंग देते थे, बट इस कोरोना की वजह से एक तरीके से उस पर आर्थिक दबाव गिर गया और कुछ कारणों के वजह हमें वो काम जो है कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा। अब पूरा ध्यान इस मुख्य परीक्षा पर ही है और जो रही बात प्लान ए की, तो मैं उसे रिवाइव करूँगा इन फ्यूचर, जब ये जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई हो जाए तब। सर, आप दर्शकों को, सर आज मेरे पास मौका है तो दर्शकों को आज मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा, प्लान बी की मुझे याद आ गया एकदम से, कि एक बार मुझे ऐसे ही सपना आया था जिसमें एक इंटरव्यू शुरू था जिसमें मैं था और वहाँ पे प्लान बी की बात हो रही थी, एक चैलेंज की बात हो रही थी, वो कुछ इस तरीके का था। आग में हाथ डालोगे जल जाओगे, तुम समझ नहीं रहे हो। मैं सब समझ रहा हूँ, आप बोलिए। एक दिन, सिर्फ एक दिन के लिए CM बन के देखो, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। बोलो क्या बोलते हो? बस हवा निकल गई। बोलो, बनोगे CM एक दिन के लिए? लाइव टेलीकास्ट हो रहा है बच्चे, सब लोग देख रहे हैं, जवाब दो। या इंटरव्यू खत्म करें? ठीक है सर,
अगर ऐसा हो सकता है तो मैं तैयार हूँ। एक दिन के लिए आपको कुछ भी बैठ के देखूंगा। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। चलो अच्छा, एक दिन मुझे भी पढ़े लिखे सीएम के साथ काम करने का मौका मिलेगा तो ठीक है। जय हिंद। चार बार बोल रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं तुम्हारी जी भैया, पहले तो मैं अच्छे से पूरी पढ़ाई करूंगा। यहाँ तक तो मैंने अभी के अभी तो एग्जाम की पूरी तैयारी भी कर ली है। एनसीईआरटी 6 to 12 तक खत्म कर ली है और अगले महीने तक मैं मॉक्स भी देने वाला हूँ और साथ ही साथ अभी रिवीजन भी कर रहा हूँ। ये ठीक है ना सर? मैंने कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? साले मैंने कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? पूछा मैंने कुछ? मुझे नहीं देना ऐसा इंटरव्यू, मैं जा रहा हूँ। बैठो बेटा, बहुत कुछ समझना है जिंदगी में। ऐसे भी सपने आते हैं। अगर आप दिन रात ऐसे ही यूपीएससी की पढ़ाई करोगे तो दिमाग में यही चलते रहता है और ऐसे ही सपने आते हैं। झूठ बोल रहा है। आपने सिविल सेवा ही क्यों चुनी, इसकी कोई खास वजह? सर देखा जाए तो वजह तो बहुत सारी है, बट सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगी कि आज जैसे हमारे देश की हालात है, ऐसे हालात को देख के थोड़ी तकलीफ होती है। दिल में ये क्वेश्चन आता है कि जब हमारा देश आज़ाद हो रहा होगा, जब बहुत से लोगों ने इस देश को आज़ाद करने के लिए उनकी जान की कुर्बानी दी होंगी, बहुत और जो बड़े दूसरे फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने अपने लाइफ को देश के लिए समर्पित किया, क्या उन्होंने ये जो भारत आज हमारा है, इस भारत के लिए जैसा हालत में है, वो भारत के लिए समर्पित किया होगा? ये सोचने की बात है। आप एग्जांपल ले सकते हैं हमारे बापू का। अरे क्या नहीं किया उसने अपन के लिए? जेल गया, फास्टिंग किया, एक धोती पहन के आपके कंट्री का राउंड मारा, गोली भी खाया इधर इधर, और अपुन ने उसके लिए क्या किया? एक तस्वीर बनाकर दीवार पे लटका दिया और उसके नीचे आराम से रिश्वत लेता है। वो सोचा कि अपुन अपना कंट्री क्या मस्त बनाएगा, एकदम इंपोर्टेड जैसा। अपुन ने साला ये कंट्री का वाट लगा दिया। अरे नहीं बेटा, इतना भी बुरा हाल नहीं है, आजकल देश तरक्की कर रहा है। अरे घंटा तरक्की कर रहा है। नल है लेकिन पानी नहीं है, बल्ब लगे है लेकिन बिजली नहीं है, रोड पे गाड़ी कम है खड्डे ज्यादा है, अरे फुटपाथ पे तुम चल नहीं सकता क्योंकि दुकान खड़े है, ट्रेन है लेकिन नाम वेटिंग लिस्ट पे, टिकट कंफर्म होता है तो ट्रेन कैंसिल होता है, अस्पताल जाओ तो बेड खाली नहीं है, बेड मिलेगा तो कोई पूछने वाला नहीं है, अरे कंप्लेन करो तो कोई सुनने वाला नहीं है, नेता के पास जाओ तो बाबू के पास भेजता है, बाबू के पास जाओ तो मीटिंग में, घर पे फोन करो तो बाथरूम में, जब वो मिलेगा तो बोलेगा कि एप्लीकेशन दो, वो भी डुप्लीकेट में, और फिर वो एप्लीकेशन घूमता रहेगा राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड। आज अगर बापू होता ना तो बोलता कि देश तो अपना हो गया है लेकिन लोग पराए हो गए। ये बात तो मैंने भी फील की है। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? दुनिया में ऐसा कोई प्रश्न या चैलेंज नहीं है जिसका आंसर जो है वो खोजा ना जा सके। सर ये काम किसी एक अकेले इंसान का नहीं है, यहाँ पर हमें कम से कम 10-15 साल का एक प्लान बनाना होगा। उस टाइम फ्रेम में, उन सालों में हमें लोगों को सही और गलत का फ़र्क समझाना होगा, उन्हें और काबिल बनाना होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 2047 में हमारे देश को आज़ाद हुए 100 साल पूरे हो गए, जिसे आज अगर कैलकुलेट किया जाए तो 26 साल और बचे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है अगर हम आज से शुरुआत करेंगे तब जाके हम 2047 को हमारे देश को वापस उसके जो उसमें ट्रू पोटेंशियल है उस पर वापस खड़ा कर पाए। इसी उद्देश्य को लेकर मैं आज ये एग्ज़ाम के लिए, सिविल सेवा के लिए तैयारी कर रहा हूँ और आज इस चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होने के अवसर पर
मैं इस चैनल को इसी काम के लिए समर्पित करता हूँ। क्या बात है, आपकी बातों से आपकी प्रतिभा झलकती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बताइए जैसा आपका इस 10,000 सब्सक्राइबर का सफर जो था, क्या ये आसान था? मैं ये नहीं कहता कि ये आसान था, बट अगर आपके दिमाग में एक क्लियरिटी होगी, पूरे जिंदगी भर का प्लान का एक रफ ढांचा अगर आपके दिमाग में तैयार, तो आपको डिसीजन लेते समय, उस गोल पर काम करते समय डर नहीं लगेगा। फिर भी अगर आपको कभी हिम्मत हौसले अफजाई की ज़रूरत पड़ी, तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ तरीका है भीख मांगने का? तो दीजिए अब हमें अलविदा। आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर से आपको 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर बधाई देता हूँ और आपके लिए शुभकामनाएं करता हूँ कि आप जितने जो भी आगे सोचा है आप वो एग्ज़ाम को पास करें। और खासकर विशेष बात, मुझे भी आपसे बहुत कुछ काम करने की प्रेरणा मिली और हमारे दर्शकों को भी मुझे ऐसा लगता है उन्हें भी आज का एपिसोड या सेशन बहुत पसंद आया होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो का करते हैं हम यहाँ पर अंत। मिलेंगे अगले कई सेशन में ऐसे कोई इंटरव्यू में, तब तक के अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।